नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल PD क्लासेज में। दोस्तों आज है 11 जुलाई और आज के कुछ करंट अफेयर्स इस प्रकार हैं। दोस्तों जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे उन्हें आने वाली सभी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पेज पर जिससे अधिक से अधिक दोस्त इस करंट अफेयर्स की सीरीज का हिस्सा बन सके तथा एक लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे लिए जिससे मैं आपके लिए डेली इसी तरह की करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आता रहूं। दोस्तों तो चलिए शुरू कर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? विक्रम सचदेवा, ऑप्शन बी है पंकज घोष, ऑप्शन सी है आकाश गणेशन, ऑप्शन डी है सीताराम सिंह। तो इसका सही ऑप्शन आकाश गणेशन। क्वेश्चन नंबर दो, हाल में किस राज्य सरकार ने निखर सम्मान योजना शुरू की? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका सही ऑप्शन है कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीन है, भारत सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक टिकटॉक समेत कितने ऐप डिलीट करने के निर्देश दिए हैं? ऑप्शन ए है 89, ऑप्शन बी है 119, ऑप्शन सी है 120, ऑप्शन डी है 103। तो इसका सही आंसर होगा 89। हाल ही में किस राज्य ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर पाँच है, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA के पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल कर दी? ऑप्शन ए है 2 साल 6 माह, ऑप्शन बी है 2 साल, ऑप्शन सी है 1 साल 8 माह, ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2 साल। क्वेश्चन नंबर छः है, ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है? ऑप्शन ए है 39, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 31, ऑप्शन डी है 44। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 34। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस बैंक ने हाल ही में लोन देने के लिए लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च की? ऑप्शन ए है ICICI बैंक ने, ऑप्शन बी है यस बैंक ने, ऑप्शन सी है HDFC बैंक ने, ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यस बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है सचिन अवस्थी, ऑप्शन बी है पंकज उपाध्याय, ऑप्शन सी है पवन अवस्थी, ऑप्शन डी है मणिशंकर त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सचिन अवस्थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य के देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी असम। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया? ऑप्शन ए है वियतनाम, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है इटली। तो इसका सही आंसर है वियतनाम। दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में जारी कैंसर तत्परता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10th, ऑप्शन डी है 9th। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस देश ने बलि के जानवरों की खरीदारी के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है 1 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 2 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 0.5 लाख करोड़, ऑप्शन डी है
2.5 लाख करोड़। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 लाख करोड़। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये करंट अफेयर सीरीज समाप्त होता है। दोस्तों जो भी हमारे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारे खातिर, जिससे मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आता रहूँ। तथा यह ज़रूर बताइएगा कि करंट अफेयर्स की यह सीरीज आपको कैसी लगी। धन्यवाद।